हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रखा गया है वह है पॉलिनेशन या परागण। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं पादप भ्रूण विज्ञान के बारे में। इसके अंदर अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से जो आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है या लघु बीजाणु जनन होता है, जिसके माध्यम से लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है, और उसी प्रक्रिया में अपन ने बात की थी कि इस प्रकार से जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है या गुरु बीजाणु जनन होता है, जिसके वजह से या जिसके माध्यम से निर्माण होता है मादा युग्मोद्भिद का। तो आज बात करेंगे कि उन प्रक्रियाओं के बारे में या उस प्रोसेस के बारे में जिससे जो परागकण की प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। परागकण सामान्यतः अपन बात करें तो क्या होता है कि जब जो पराग कण है पराग कोश से उसी पुष्प उसी प्रजाति की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया परागण कहलाती है। यानी कि जो पराग कण है पराग कणों का पराग कोश से उसी प्रजाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। अब परागण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो पहला स्टेप है या प्रथम चरण है वह है एंथर डहिसेंस। एंथर डहिसेंस मतलब एंथर का स्पुटन, या अपन कह सकते हैं कि जो आपके पराग कोश है उसका स्पुटन होता है, और उसी स्पुटन से जो पराग कण है वो पराग कोश से बाहर निकलेंगे और उसके बाद में वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो अपन ने जब बात की थी एंथर के बारे में, या यूं कह दें कि जब बात की थी अपन ने कुंकेसर के बारे में, स्टैमन के बारे में, तो अपन कहा था स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और परागकोश होता है और दूसरा होता है पुतंतु या फिलामेंट। तो जो एंथर पार्ट है अपन ने पढ़ा था कि परागकोश की अलग अलग, जब उसकी अनुप्रस्थ काट काटी थी तो अपन ने देखा था कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार की भित्तियां उपस्थित हैं। देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से, सबसे बाह्य भित्ति जो होती है वह कहलाती है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में आती है आपके एंडोथीसियम। अब इसका एक मेजर रोल होता है एंथर के स्फुटन के अंदर। अपन ने बात की थी उस टाइम पे भी कि जो एंडोथीशियम होती है इस भित्ति के अंदर जो फाइब्रस बैंड्स उपस्थित रहते हैं, या यूं कह दें कि स्थूलन होता है, फाइब्रस थिकनिंग अपने को देखने को मिलती है, स्थूलन देखने को इसके अंदर अपने को मिलता है। अब जो एंथर की फाइब्रस बैंड होती है या एंडोथीलियल लेयर होती है वह एक कंटिन्यूस रूप में उपस्थित रहती है, और वह जगह जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जहाँ से एंथर डहिस होता है या एंथर का स्फुटन होता है वहाँ पे ये अनुपस्थित होती है, और वह क्षेत्र कहलाता है स्टोमियम। तो यह थिन वॉल क्षेत्र होता है जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एंडोथीलियल सेल लेयर है या एंडोथीसियम है वो अनुपस्थित रहती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है स्टोमियम। ठीक है, अब जो स्टोमियम है या यू कह दें कि जो एंडोथीसियम है इसका जो नेचर होता है वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि यह जल को अवशोषित कर लेती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जिसके वजह से जो स्फुटन होता है अंतर का वह हो सकता है, या यू कह दें कि यही रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एंथर के डहिसेंस के लिए। सामान्यतः क्या होता है, ज़्यादातर जो केसेस हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो स्टोमियम होती है वह एंथर के, देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, जो स्टोमियम है ये एंथर के उधरवर्ती रूप से, यानी कहते हैं द स्टोमियम इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, यानी कि एंथर की जो लंबाई है उसके अनुरूप यह एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, और इसी वजह से जो डहिसेंस अपने को देखने को मिलता है या जो स्फुटन देखने को मिलता है पराग कोश का वह उधरवर्ती प्रकार का अपने को देखने को मिलता है सामान्य केसेस में या सामान्य रूप से। इसके अलावा इसके अंदर कुछ विविधताएं अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अपवाद देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ वेरिएशंस अपने को देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि बर्बेरिडेसी के अंदर अपन देखते हैं कि जो डहिसेंस होता है वो उपांतीय वाल्व होते हैं उनके माध्यम से होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं होकर के उपांतीय जो वाल्व होते हैं
उनसे आपको देखने को मिलता है दहिसेंस या स्कूटन। साथ ही साथ अपन बात कर सकते हैं सोलेनम के अंदर, यहाँ पे जो शीर्षस्थ पोर होते हैं, शीर्षस्थ छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से स्फुटन होता है और इन्हीं पोर्स के माध्यम से जो पराग कण हैं वो परागकोश से बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं अपन यहाँ पे सोलेनम के अंदर, और कई जगहों पे जैसे नाजास के अंदर अपन देखते हैं कि अनियमित स्फुटन देखने को मिलता है। अनियमित स्फुटन से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं अपन कि जो स्फुटन है वो कोई एक नियमित लाइन फॉलो नहीं करता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल में उधरवर्ती है, यहाँ पे उपांतीय जो वाल्व है उससे हो रहा है, यहाँ एपिकल पोर से हो रहा है, यहाँ पे अनियमित रूप से जो एंथर है या परागकोश है इसका स्फुटन देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से जो पराग कण है वो परागकोश से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागकण के प्रकार। जो परागकण है, परागगण है, उसको मोटे मोटे तौर पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक अपन कहते हैं स्वपरागण और दूसरी कैटेगरी होती है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन की। तो पहले अपन बात करते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सिंपली जो सेल्फ पॉलिनेशन है या स्वपरागण है, उसके अंदर क्या होगा कि जो पराग कण है वह पराग कोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। यह कंडीशन तो तब हो गई जब जो पुष्प है वह उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प का मतलब हो गया उसके अंदर नर व मादा जनना एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित है। या ये हो सकता है जैसे कि अपन कुछ मोनोइशियस या यूं कह दें कुछ द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि मेज हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पराग कण है पराग कोश से उसी पुष्प पर उपस्थित या यूं कह दें उसी पादप पर उपस्थित जो मादा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो वह भी जो प्रक्रिया है वह सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाएंगे। तो दो कंडीशन हो गई, या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए या उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि परागकण पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। अब यह होता कब है? ये होता है आपके द्विलिंगी पुष्पों के अंदर, या युगपन पर याद कर सकते हैं उभयलिंगी पुष्पों के अंदर हो सकता है, या ऐसे यूनिसेक्सुअल एकलिंगी पुष्प पे हो सकता है जो एक ही पादप पर उपस्थित हो। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं मोनोइशियस प्लांट के अंदर, जहाँ पे जो नर पुष्प है और मादा पुष्प है यह एक ही प्लांट या एक ही पादप पे उपस्थित रहते हैं परंतु अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। तो या तो द्विलिंगी पुष्पों में होगा या ऐसे एकलिंगी पुष्प जो एक ही पादप पर उपस्थित हैं वहां स्वपरागण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो प्रक्रिया है स्वपरागण की, उसको दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली जो प्रक्रिया है वह कहलाती है आपके ऑटोकैमी, या जिसे हिंदी में अपन कहते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन की जो प्रक्रिया है वो सिंपल सी प्रक्रिया हो गई कि जब पराग कोश से जो परागण है उसी पुष्प की, सेम फ्लावर, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को पहुंच जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपन स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं गाइटनोगैमी या अपन जीटोनोगैमी कह सकते हैं इसको। यह जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो पुष्प के जो परागण होते हैं वह उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिका, जो अपन कंडीशन रेफर कर चुके हैं, जो बात कर चुके हैं अपन आपके मोनोइशियस प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर अपन देखा था कि जो मादा पुष्प है और नर पुष्प है ये अलग अलग होते हैं। यदि इससे जो पराग कण है इस पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो वह प्रक्रिया कहलाएगी आपके जीटोनोगैमी, या इसे अपन कह सकते हैं हिंदी के अंदर बात करें तो अपन कहते हैं इसको सजात पुष्पीय। यानी कि सजात पुष्पीय से तात्पर्य ये हो गया कि जो पुष्प है वह उसी पादप का भाग है, या यूं कह दें कि जिस पादप के पराग कण है उसी पादप की वर्तिका है, यानी कि जो पुष्प है वो एक ही पादप पे लगे हुए हैं, तो इसे कहा जाता है जीटोनोगैमी या सजात पुष्पी। नेक्स्ट
दोनों प्रक्रियाएं समझ में आ गई, एक तो ऑटोगैमी हो गई यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, और चिटोनोगैमी का मतलब हो गया या सजात पुष्पी मतलब हो गया उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प पर पहुंच रहा है परागकण, तो वह प्रक्रिया कहलाती है चिटोनोगैमी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब हो गया कि क्या क्या युक्तियाँ होती हैं जो स्वपरागण को प्रेरित करती हैं। तो सबसे पहली जो युक्ति है जो स्वपरागण को प्रेरित करती है या अनुकूलन है जो स्वपरागण को प्रेरित करता है वह है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है समकाल पक्वता, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे समकाल पक्वता। जब पुष्प की जो पराग कोश है और वर्तिका है वो एक ही समय पर परिपक्व होती हैं, यानी पुष्प की पुष्प का पराग कोश और वर्तिका एक ही समय पर यदि परिपक्व होती है तो इसे कहा जाता है समकाल पक्वता। और ये जो समकाल पक्वता होती है यह स्वपरागण को प्रेरित करेगी, क्योंकि दोनों यदि समान समय पर परिपक्व होंगे तो उनके अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे स्वपरागण के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिस्टोगेमी की। क्लिस्टोगेमी का मतलब हो गया कि ऐसे पुष्प जो कभी खुलते ही नहीं है, क्लिस्टोस का हिंदी में मतलब होता है क्लोज्ड, तो ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे क्लिस्टोगेमी। अब अगर फ्लावर है वो क्लिस्टोगेमस है, क्लिस्टोगेमस है तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पुष्प के अंदर ही गिरेंगे, और यदि पॉलन ग्रेन पुष्प के अंदर गिरेंगे और पुष्प ऐसा है कि जो बंद है तो उस प्रक्रिया में क्या होगा, स्वपरागण की जो प्रक्रिया है या स्वपरागण के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, या यूँ कह दें कि स्वपरागण अब ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि उन पुष्पों के अंदर अपने को स्वपरागण ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पुष्प है वो बंद है, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता। अब इस क्लिस्टोगेमी के अपोजिट या विपरीत बात करें तो उन पुष्पों को कहते हैं अपन कैस्मोगेमी। चैस्मोगेमी या कैस्मोगेमी, चैस्मोगेमी जो पुष्प होते हैं, क्लिस्टोगेमी को हिंदी में कहा जाता है अनुन्यमिल्य पुष्प, ठीक है, अनुन्यमिल्य पुष्प, और कैस्मोगेमी को कहा जाता है उन्मिल्य पुष्प। तो अनुन्यमिल्य मतलब जो खुलते नहीं है पुष्प, और जो नॉर्मली ओपन होते हैं पुष्प उनको कहा जाता है उन्मिल्य या कैस्मोगेमस फ्लावर। अब जो क्लिस्टोगेमी है ये देखने को मिलती है आपके अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर, जैसे कि अपन उदाहरण ले सकते हैं आपके कॉमेलिना बैंगलेंसिस का। कॉमेलिना बैंगलेंसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वह छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं बहुत छोटे आकार के, अपन कह सकते हैं अनियमित यू कह सकते हैं वह होते हैं। देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं या अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो आपके कॉमेलिना है इसके अंदर नॉर्मल कैस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं। तो इस जो प्लांट है इसके अंदर आपको क्लिस्टोगेमी भी देखने को मिलेगी, इसके अंदर कैस्मोगेमी भी देखने को मिलेगी। क्लिस्टोगेमी देखने को मिलेगी उन इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स के अंदर जो आपके अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर मौजूद हैं, और कैस्मोगेमी है वो होती है एरियल पार्ट्स के अंदर जो फ्लावर मौजूद रहते हैं, जो किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। अब ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी हो और जिसके अंदर कैस्मोगेमस फ्लावर भी हो उसे कहा जाता है कैस्मोक्लिस्टोगेमस, यानी दोनों प्रकार के जो फ्लावर हैं एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित हैं। और उदाहरण ले सकते हैं अपन क्लिस्टोगेमस पुष्पों के, जैसे वायोला के अंदर देखने को मिलता है, ऑक्सैलिस के अंदर देखने को मिलता है, या स्क्रोफुलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन या परागण के द्वितीय प्रकार का, जिसे कहा जाता है आपके पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पराग कणों का पराग कोश से अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया। यहां देखिए नोट करने लायक बात है कि जो एंथर है वो एक प्लांट के हैं और जो स्टिग्मा है वो किसी अन्य पादप की है, यानी अन्य पादप जो उसी प्रजाति का हो उसकी वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है पर परागण। अब पर परागण के वजह से क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन होता है, जिसके वजह से चांसेस होते हैं। ये एक एडवांटेज भी है आपके क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसके वजह से अपने को
जो आनुवंशिक पुनर्योजन है वह देखने को मिलता है। तो ये एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन का। साथ ही साथ जो स्व परागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ता है क्रॉप्स के अंदर, जिसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है या जो विगर है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। वहीं यदि पुष्पों के अंदर या अपन यूँ कह दें पादपों के अंदर यदि क्रॉस पॉलिनेशन होता है या पर परागण होता है तो उसके वजह से हिट्रोसिस देखने को मिलता है। हिट्रोसिस के वजह से, हिट्रोसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ अपन कहते हैं कि जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स से बेहतर है। तो F1 जनरेशन बेहतर पैदा होगी यदि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यदि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स से अपने को लेस प्रोडक्टिव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, मीन्स अब बात करेंगे पर परागण की युक्तियों की, यानी कि ऐसी एडेप्टेशन या अनुकूलन जो पर परागण को प्रेरित करेंगे। सबसे पहला जो अनुकूलन है वह है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब है एक लिंगी पुष्प। यदि पुष्प है वो एकलिंगी है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को पर परागण देखने को मिलेगा। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अपन, ये पुष्प है जिसके अंदर मादा जननांग उपस्थित है, ये पुष्प है जिसके अंदर ये पादप है जिसके अंदर नर मादा जननांग उपस्थित है और ये पादप है जिसके अंदर नर जननांग उपस्थित है। नर मादा पादप और नर पादप दोनों अलग अलग है, तो ऐसी जो स्थिति है उसे कहते हैं अपन डाइक्लाइनस फ्लावर। और डाइक्लाइनस या एकलिंगी जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पर परागण ही संभव है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को या पर परागण को, वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, या इसे अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके बारे में अपन आगे अपन विस्तार से बात करेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाते हैं परंतु वह उसे निषेचित या फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है बहुत सी सोलेनम की स्पेसिस लाइक पोटैटो एंड टोबैको के अंदर। साथ साथ जो टी प्लांट है उसके अंदर भी अपने को सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। अब ये सेल्फ स्टेरिलिटी का जो रीजन है, जो कारण है, वो आनुवांशिक है। अभी क्या कारण है या जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है वो अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से इतना सा समझना है कि यहाँ पे स्व परागण के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, जो पराग कोष है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच तो गए परंतु वह उसे निषेचित नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम जेनेटिक रीजन, कुछ आनुवांशिक कारणों के कारण वहां पे आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वबंधता देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो हर्डल है या यूं कह दें नेक्स्ट जो प्रक्रिया है जो प्रमोट करती है पर परागण को वो है डाइकोगैमी। होमोगैमी अपन ने कहा समकालपक होता, डाइकोगैमी मीन्स भिन्नकालपक होता। यदि नर व मादा जननांग जो पुष्प के हैं वे अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे कहा जाता है डाइकोगैमी या भिन्नकालपक होता। अब होता क्या है इसके अंदर, या तो इसके अंदर प्रोटोएंड्री कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रोटोएंड्री कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोटोएंड्री कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो एंथर है या यूं कहते हैं जो पराग कोश है या पुमंग है या नर जननांग है पुष्प के वह पहले परिपक्व हो जाते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है कंपोजिटी कुछ फूल के सदस्यों में, अम्बेलीफेरी में और मालवेसी के अंदर। साथ ही कुछ जो पादप है उनके अंदर देखने को मिलता है प्रोटोगाइनी कंडीशन। अब जो प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री मीन्स पुंपोर होता, यानी कि जो नर जननांग है उनका पहले परिपक्वन, प्रोटोगाइनी मीन्स स्त्री पूर्वता, जो मादा जननांग है उसका पहले परिपक्वन। अब जो प्रोटोगाइनी कंडीशन है वो उसके अंदर क्या होगा, जायांग पहले मैच्योर हो जाएगा, जायांग पहले परिपक्व हो जाएगा। और ये जो प्रोटोगाइनी कंडीशन है ये देखने को मिलेगी अपने को सदस्यों में, किसके, एनोनेसी कुल के सदस्यों में, जैसे एनोना हो गया आपके या पॉलीएल्थिया हो गया, साथ ही जो मैग्नोलियेसी कुल के पादप हैं उसके अंदर भी, मैग्नोलिया हो गया, माइकेलिया हो गया, इसके अंदर आपको प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता की जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो एरम मैक्लेटम है यहाँ पे भी आपको स्त्री पूर्वता देखने को मिलेगी। तो होता ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इनके अंदर देखने को मिल सकता है। अब वो सेल्फ पॉलिनेशन कब देखने को मिल सकता है, सपोज कीजिए कि स्त्री पूर्वता की कंडीशन है वहाँ पे, प्रोटोगाइनी अवस्था अपने को देखने को मिल रही है, जो जायांग है वो पहले मैच्योर हो गया, पहले परिपक्व हो गया है आपके पुंकेसर से।
परंतु यदि किसी कारणवश उसके अंदर पर परागण नहीं हो पाया तो उस अवस्था के अंदर ये हो सकता है कि बात के अंदर जो नर जननांग है वह भी परिपक्व हो जाए और उन क्रॉप्स के अंदर या उस प्लांट के अंदर अपने को सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है। जैसे लिखा हुआ है, समटाइम्स हाउएवर इट इज फाउंड दैट द सेल्फ पॉलिनेशन मे टेक प्लेस एट द लेटर स्टेज इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल। यदि क्रॉस पॉलिनेशन है वो फेल हुआ तो उस कंडीशन में हो सकता है वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है जो प्रमोट करती है आपके क्रॉस पॉलिनेशन को वो होती है हार्कोगैमी। हार्कोस जो इंग्लिश वर्ड है उसका मीनिंग होता है आपके बैरियर। बैरियर का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ भौतिक अवरोध होंगे जो स्व परागण को डिस्करेज करेंगे और पर परागण को प्रमोट करेंगे। तो देख सकते हैं अपन, इफ इन सम फ्लावर देयर मे बी सम फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टाइल, यानी कि जो पुंकेसर है और जो वर्तिका है उनके बीच में कुछ भौतिक अवरोध होते हैं जिसके वजह से स्व परागण नहीं होता और पर परागण देखने को मिलता है। इसी टॉपिक के अंदर अपन बात कर सकते हैं हिट्रोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मतलब आकारे की भिन्न आकारे की क्या क्या होती है जो प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो पहली जो अवस्था है उसके अंदर अपन बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं अपन इसकी। जो क्रूसीफेरी और कैरियोफाइलेसी कुल के सदस्य हैं, इनके कुछ सदस्य के अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा है वो स्टैमन से बहुत ज्यादा वृद्धि कर जाती है। देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, यहाँ पे जो स्टाइल है उसकी वृद्धि के कारण जो स्टिग्मा है ये बहुत दूर तक ग्रोथ कर गई और अब इस ग्रोथ के कारण से यह जो स्टैमन है उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गई। तो अब इनके अंदर क्या हो सकता है, इनके अंदर पर परागण ही देखने को मिल सकता है। विभिन्न प्रकार के जो परागणकारी हैं उनके माध्यम से परागण को कणों को यहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से भौतिक अवरोध ही हो गया कि जो स्टिग्मा है उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा देखने को मिल गई जिसके वजह से अब वो पॉलन ग्रेन की पहुंच से दूर हो गई। तो इसके वजह से यहाँ पे अब पर परागण होगा, ये भी पर परागण की प्रक्रिया को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण अपन देख सकते हैं ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा के अंदर क्या होता है, ये जो चित्र है ये ग्लोरियोसा का है। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ये है स्टैमन, ठीक है। तो पुंकेसर है और जो वर्तिकाग्र है वो यहाँ पे है। तो अब जब इन पराग कोशों का स्फुटन होता है तो जो पराग कण है वो दूर शेड होते हैं, यानी दूर ही इनका स्फुटन होता है, ये स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सट्रोस डहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि जो एंथर्स हैं उनका जो स्फुटन है वो स्टिग्मा से कहीं दूर हुआ जिसके वजह से अब स्व परागण पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक भौतिक अवरोध है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ऑर्किडेसी और एस्किल्पीडिएसी जो फैमिली है इसके जो सदस्य हैं, पादप या इस कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर क्या है, इंटरेस्टिंगली जो पॉलन ग्रेन्स हैं या पराग कण हैं वह टेट्राड के रूप में एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और ये जुड़ करके एक कॉम्पैक्ट यूनिट बना लेते हैं। उस कॉम्पैक्ट यूनिट को कहा जाता है आपके पॉलिनियम। तो पॉलिनियम पाए जाते हैं आपके ऑर्किडेसी और एस्किल्पीडिएसी के अंदर। अब ये इतने हैवी होते हैं कि इनकी जो स्थानांतरण है दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सम पॉलिनेटर्स, यानी कुछ परागणकारी होंगे उनके माध्यम से ही इनका स्थानांतरण किया जा सकता है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक। तो इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा पर परागण ही देखने को मिलेगा, या यूं कह दें ज्यादातर आपको पर परागण ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है हिट्रोस्टाइल। हिट्रोस्टाइल कंडीशन मीन्स विषम वर्तिकात्व, यानी अलग अलग लेंथ की, अलग अलग लंबाई की अपने को यहाँ पे वर्तिका देखने को मिलेगी। ये कंडीशन अपने कॉमनली देखने को मिलती है इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली प्रिमुलेसी, ऑक्सैलिडेसी, पॉलीगोनेसी एंड रूबिएसी। इन कुल के पादपों में हेट्रोस्टाइल या विषम वर्तिका देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो फ्लावर है उसको अपन डाइमॉर्फिक फ्लावर कह सकते हैं कि पुष्प द्विरूपता इसके अंदर देखने को मिलेगी। कैसे बनती है वो बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं प्रिमुला वल्गैरिस का। ये चित्र है प्रिमुला वल्गैरिस का है, देखते हैं किस प्रकार से इसमें विषम वर्तिका
काक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रिमुला वल्गैरिस है इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के पुष्प देखने को मिलता है। सामान्यतः ये देखने को मिलता है एक जो पुष्प पादप होता है उसके अंदर एक ही प्रकार का पुष्प होता है। तो प्रिमुला वल्गैरिस के अंदर कुछ पादपों के अंदर देखने को मिलते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर। लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो वर्तिका है उसकी जो लंबाई है उसके अंदर वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से जो एंथर है वो यहीं रह गए, वर्तिकाग्र यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर बहुत मुश्किल है पॉलन ग्रेन्स का, परागकणों का, इसलिए यहाँ पे परपरागण सामान्यतः देखने को मिलता है। दूसरी जो कंडीशन है शॉर्ट स्टाइल फ्लावर, यहाँ पे क्या हो गया कि वर्तिका है उसकी लंबाई कम रहेगी, तो यहाँ पे स्टिग्मा रहेगी, जो एंथर है वो यहाँ तक पहुँच गए इनकी लंबाई में वृद्धि हुई। तो अब यहाँ पे भी जो है स्वपरागण की प्रक्रिया है वह बाधित होती है और परपरागण यहाँ पे भी प्रमोट किया जाता है या प्रमोट होता है। तो ये बात हुई परागण के बारे में कि परागण होता क्या है, कितने प्रकार का परागण अपने को देखने को मिलता है, कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जो स्वपरागण को प्रेरित करती हैं, कौन सी युक्तियां हैं या कौन से अनुकूलन है जो परपरागण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि जो परागण है या क्रॉस पॉलिनेशन है परपरागण, उसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं, कौन से बायोटिक एजेंट्स होते हैं, कौन से अबायोटिक एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। धन्यवाद।